आपका लक्ष्य है ना, आपका लक्ष्य है ना, है ना, तो है तो बोलो हाँ। और आपका लक्ष्य ही आपका जिंदगी है, और जिंदगी है तो देखो दोस्तों कि जिंदगी की राहों में रुकना नहीं है। अगर जिंदगी की राहों में रुक गए तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, घर बैठ के बस सोचते रहोगे। जिंदगी की राहों में रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, मेरी किसी की बाप की नहीं है। आप गिरते हो, आप गिरते हो, हर बार गिरो, मैं भी बोलता हूं हर बार गिरो, मैंने भी गिरा, लेकिन गिर के उठना सीखो। आप गिरते हो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आपको गिराना चाहती है, आप गिरते हो इसलिए क्योंकि जिंदगी आपको उठाना चाहती है। इसलिए 10 बार गिरो, गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर के गिरे रहना गलत है, गिर के उठना सीखो। जब गिर के आप उठना सीखोगे तो इसका मतलब है कि आपको चलना आ गया, और आप एक बार चलना सीख गए तो आपको भीड़ की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। आप अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता कि आपको जाना कहां है, आपका टारगेट कहां है, आपका लक्ष्य कहां है, आप कैसे जाओगे वो आपको देखना है। राह हमें मिल गई है चलने के लिए, बता दो अपने आप को। राह हमें मिल गई है चलने के लिए, बता दो अपने आप को। कोई क्या हमें रोकेगा, कोई क्या हमें रोकेगा, जब आग खुद के अंदर जल रहा हो तो पानी क्या बुझाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चीज को देख लो कि आपको राह में चलना कहाँ है, आपका टारगेट है, आप उस टारगेट पे सुबह उठते ही सोचो कि हमें करना क्या है, क्योंकि राह आपको मिल गई है एज अ टारगेट, और आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप सोच लेते हो। सच तो यह है दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होता, आप भी जानते हो कि जिंदगी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी दोस्तों भगवान नहीं होता। पत्थर पे भी हथौड़े पीट पीट के उसे डिजाइन बनाया जाता है, फिर मंदिर में सजाया जाता है, तभी उसकी पूजा होती है। तो अपने आप को पहले डिजाइन बनाओ, अपने आप को प्रैक्टिस में लाओ, उसके बाद आपकी भी पूजा होगी तो होगी। कामयाब बनना है तो यह मत सोचो कि हम कितनी बार गिरे, कामयाब बनना है तो यह मत सोचो कि हम कितनी बार गिरे, बल्कि देखो कि हम कितनी बार गिर के उठे। अगर आप ये देख लोगे कि कितनी बार गिर के उठे तो आप खुद कामयाब इंसान बन जाओगे, और आप गिर के उठना सीख जाओगे। अगर आप गिर के उठना सीख गए दोस्तों, इसका मतलब समझ जाओ कि आपके लिए कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होगा, और वो लक्ष्य छोटा ही लक्ष्य आप ऐसे लोगे जैसे कि दूसरों के लिए वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप एक दिन ऐसे ही ऊंचाइयों पर दिखोगे, आप एक दिन ऐसे ही ऊंचाइयों पर दिखोगे जहां दुनिया नीचे दिखेगी। एक दिन ऐसे ही ऊंचाइयों पर दिखोगे जहां दुनिया बहुत नीचे दिखेगी, और लोग आपको ऊपर देखेंगे और आपसे सीखेंगे कि दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करना है तो नीचे से हासिल करो, छोटे से हासिल करो। कोई भी बड़ा काम हम एक बार में नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा पत्थर को एक बार में नहीं तोड़ सकते, हमें उसमें 10 बार हथौड़ा मारना पड़ता है। तो आप जब हथौड़ा मारोगे तो आप सीख जाओगे, और जब आप पत्थर को तोड़ दोगे तो आप ऐसे ही साइन करोगे कि लोग आपसे सीखेंगे। तो आप आगे बढ़ना चालू कर दो, आज ही एक मोटिवेशनल वीडियो डेली सुबह सुबह देखना स्टार्ट कर दो। आप ऐसे ही साइन करोगे जैसे कि सूर्य चमकता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट पे बने रहो।